नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों की। फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर, आज से देश की आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे मंत्र, कल पीएम मोदी करेंगे संबोधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर, सीएमआर में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों की लेंगे अहम बैठक, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार, सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में संभाला पदभार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान रहे मौजूद। 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 28 से 30 अक्टूबर तक केजरीवाल रहेंगे गुजरात दौरे पर, केजरीवाल के साथ सीएम मान भी जाएंगे गुजरात। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, कहा आज अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब, रुपए पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश जी की फोटो हो, पीएम से नए नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने की अपील। पीएम मोदी और ऋषि सुनक की हो सकती है मुलाकात, अगले महीने हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात, इंडोनेशिया के बाली में हो सकती है मुलाकात, बाली में 15 और 16 सितंबर को होगा G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा दौरे पर, आदिवासियों के प्रमुख तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से छठ पूजा के लिए और विशेष ट्रेनें उपलब्ध कराने की अपील की, उन्होंने कहा कि ताकि त्योहार के लिए यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गायों की पूजा की, इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की, इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी। दिल्ली यमुना घाटों पर छठ पूजा को मंजूरी, एलजीवी के सक्सेना ने छठ पूजा को दी मंजूरी, घाटों की सफाई और पानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, कहा भक्तों के लिए साफ घाट पानी सुनिश्चित करें। आज बंद होंगे केदारनाथ के कपाट, केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ करेगी प्रस्थान। गुजरात के वडोदरा में गोदाम में लगी भीषण आग, आग ने आसपास की दुकानों को लिया चपेट में, 5 दमकलों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग, प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कलम बौली में भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लगी, वहीं दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एमपी के खरगोन में पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में ब्लास्ट, 1 की मौत, 7 बच्चों समेत 22 लोग घायल। रायपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा, सरकारी अस्पताल में 49 डेंगू मरीजों का चल रहा इलाज, बीजापुर एसपी को भी हुआ डेंगू, स्थानीय पार्षद कामरान अंसारी भी हुए डेंगू के शिकार। बिहार के गया में मालगाड़ी उतरी पटरी से, मालगाड़ी के 53 डिब्बे उतरे पटरी से, घटना में लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान सितरंग पड़ा कमजोर, बांग्लादेश के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा सितरंग, उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में होगी गिरावट, भोपाल में भी सुबह और शाम होने लगा गुलाबी सर्दी का एहसास। देश का 7वां सबसे साफ शहर भोपाल में सफाई को लेकर फिल्म मिसाल, आतिशबाजी से करीब 200 टन से ज्यादा कचरा निकला, सफाईकर्मी सड़कों पर निकले और कुछ ही घंटों में सड़कों को चकाचक किया, आतिशबाजी के कचरे को अलग रखा गया जिससे हो सके अलग से निपटान। यूक्रेन में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी की जारी, भारतीयों को जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह, यूक्रेन छोड़ने भारतीय नागरिक। बरदह थाना क्षेत्र के खेत कुमा बाजार के पास एक ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हो गई, घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, एक बच्चा भी इसमें शामिल, ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर। छठ पर बिहार जाने वालों को रेलवे की सौगात, रेलवे ने छठ पूजा पर 124 स्पेशल ट्रेन की शुरू। राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले दी दस्तक, राजधानी जयपुर में भी पिछले 4 दिन में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। T20 वर्ल्ड कप, भारत और नीदरलैंड के बीच मुकाबला आज सिडनी में 2:30 बजे से, जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया।
फलसूंड क्षेत्र में दीपावली बाद एकाएक आए मौसम के बदलाव से गुलाबी ठंड ने दस्तक दी। फलसूंड सहित आसपास के इलाकों में ओस के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न स्मारकों एवं चौराहों पर गैर नृत्य एवं भजन संध्या के आयोजन भी किए गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में पिछले 7 सालों से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के डबोक से गिरफ्तार किए गए इस तस्कर को पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। 12 केसेस वाली कस्बे के भैरूपुरा में एक महीने पहले हुए झगड़े का मामला, पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों की धमकियों से परेशान होकर एक युवक ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। अजमेर के सावर में मार्बल स्लरी का दलदल जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा। मार्बल स्लरी दलदल में फंसकर पशु अपनी जान गंवा रहे। वहीं कुछ दिन पूर्व 3 मवेशी भी इसमें फंस गए थे जिनको बाहर निकाला गया। लोगों के अनुसार यहां हमेशा ही हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। अजमेर के सावर में महिलाओं ने सज धज कर की गोवर्धन पूजा। इस दौरान महिलाओं ने भगवान की स्तुति में गीत भी गाए। गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से प्रातःकालीन प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष और श्रद्धालु मौजूद रहे। कस्बे के मुख्य जगहों पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात के गांवों में महिलाओं ने नए नए परिधान पहनकर गोवर्धन पूजा की। घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की गई। गोवर्धन जी को भोग लगाकर परिवार में खुशहाली की मनोकामना भी की गई। उदयपुर के गोगुंडा कस्बे सहित आसपास गांव में गोवर्धन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपने घर के बाहर गोवर्धन बनाए और गोवर्धन की विधि विधान से पूजा भी की। विजयनगर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों में सज धज कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों के आगे गोवर्धन की पूजा की गई। नागौर जिले से होकर गुजरेगी कच्चे तेल की पाइपलाइन। गुजरात के मुंद्रा से पानीपत तक जाएगी कच्चे तेल की पाइपलाइन। पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। बूंदी में दीपोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा की गई। यहां मंदिरों में विशाल अंकुट के आयोजन भी किए गए। गोवर्धन की पूजा की गई। पूर्व संसदीय सचिव एवं बगरू पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के आवास पर दीपावली की राम राम और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कैलाश वर्मा ने मिठाई खिलाकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। धौलपुर के एक गांव में तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने घर के बाहर काम कर रहे मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं बाइक सवार युवक भी हादसे में घायल हो गया। वहीं घायल महिला ने दम तोड़ दिया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में 17वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए समाज की 40 टीमें हिस्सा ले रही। फलसून के राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकुर गंगा सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा आज की पहली आवश्यकता है। धौलपुर में दीपोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सेमीफाइनल में प्रशासन एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वहीं पुलिस एकादश ने मैच जीता। ब्यावर में गोवर्धन पूजन के साथ साथ गाय माता का भी पूजन किया गया। गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं घरों में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी की गई। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की गई। वहीं अंकुट महोत्सव का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के मंदिरों और गौशालाओं में अंकुट का प्रसाद वितरित किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुराल जनों पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। दौसा के महुआ में खेत में होकर पाइपलाइन डालने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में 8 महिलाओं समेत 19 जनों को चोटें आई। पुलिस ने घायलों को मंडावर सीएससी में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 जनों को गिरफ्तार किया। अजमेर के किशनगढ़ में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। किशनगढ़ के सावंतसर क्षेत्र भाट मोहल्ले की पूरी घटना अज्ञात कारणों के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
ब्यावर में दीपावली के तीसरे दिन राम राम सा के मौके पर शहर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट बनवाकर भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। प्रतापगढ़ में सकल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से मुमुक्षु शारदा का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। गुमान जी मंदिर से प्रारंभ हुए इस वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। जुआ सट्टा के तहत एक प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था। दौसा के महुआ में निःशुल्क शिक्षा से जुड़ी संस्था प्रयास की ओर से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने निःशुल्क शिक्षा के प्रयास को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शातिर चोर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चोर को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का मोबाइल भी बरामद किया। नागौर के जायल में तरनाऊ टोल के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के पिता ने बताया कि कुछ युवक रात में उसके घर आए थे, राजेश को अपने साथ लेकर चले गए थे। टोल नाके के पास मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के कटुंबर के गंज खेड़ली के घाटा भावर में बालाजी मंदिर में गोवर्धन पूजन व अंकुट का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बालाजी को 56 पकवानों का भोग लगाया गया, जहां शहर के बड़ी संख्या में भक्त महिला एवं पुरुष पहुंचे और अपने आराध्य देव के दर्शन किए और पंगत प्रसादी ग्रहण की। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद को लेकर दो भाइयों की मारपीट में एक भाई की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। विजयनगर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों में सज धज कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों के आगे गोवर्धन की पूजा की गई। जोधपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना विवेक विहार योजना को डेवलप हुए काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, कुछ जगहों पर सीवरेज के ढक्कन खुले हुए हैं, जिस कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। गोवर्धन के मौके पर कोटा में भी परंपरागत तरीके से महिलाओं ने पूजा कर अन्नकूट का भोग लगाया। महिलाओं ने गोबर से गिरिराज पर्वत बनाकर दीप जलाया, श्री कृष्ण की आरती की। महिलाओं ने मंगल गीत गाए, परिवार में सुख समृद्धि की कामना भी की। उदयपुर में गोवर्धन पूजा परंपरागत अंदाज में की गई। बड़गांव के कृषि विज्ञान केंद्र में गौशाला के बाहर विशालकाय भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गोबर से प्रतिमा बनाई गई। विधि विधान से पूजन के बाद गायों को छोड़ा गया। मान्यता है कि इस अनूठी परंपरा से गोवंश के स्वास्थ्य में समृद्धि होती है। जयपुर के जोमू से खबर है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 15 लाख की ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं और 1 युवक शामिल। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 14 लाख रुपए बरामद भी किए। जयपुर के श्री कृष्ण बलराम मंदिर जगतपुरा में अन्नकूट महोत्सव में 10 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा गोवर्धन बनाया गया। मंदिर के अध्यक्ष अमितासन दास प्रभुजी ने बताया कि गोवर्धन पर्वत पर कल्पवृक्ष एवं कीर्तन, गौ पूजा, पालकी उत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। सभी भक्तों के लिए अन्नकूट प्रसादम का आयोजन भी किया गया। कोटा में कोटड़ी गुमानपुरा रोड पर एक बिल्डिंग के 6 माले पर बने रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग से रेस्टोरेंट का सामान जलकर खाक हो गया। झालावाड़ में एमपी से आए कई व्यापारियों ने पिछले 10 दिनों से झालावाड़ में डेरा डाल रखा है और सड़क के किनारे यहां लंबी लंबी दुकानें लगा रखी हैं, जो वाहनों को सजाने की सामग्रियां बेच रहे हैं। कोटा के इटावा उपखंड के गैंता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आतिशबाजी की चिंगारी से एक मकान में रखे पशुओं के चारे में आग लग गई और करीब आधे घंटे तक आग की लपटें उठती रही। इसके बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। अजमेर के किशनगढ़ में बाड़े में लगी आग से मची अफरा तफरी। अज्ञात कारण के चलते बाड़े में लगी आग अग्रसेन भवन के सामने स्थित है। बाड़े की घटना सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ में एक किसान ने शराब के नशे में फसल पर छिड़कने वाले कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। झालावाड़ में भी गोवर्धन पूजा को लेकर उत्साह नजर आया। महिलाओं ने इकट्ठा होकर विधि विधान से गोवर्धन जी की पूजा की और घर में सुख शांति की कामनाएं की। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाया। मान्यता है कि घर में अगर नई बहू है तो वह जरूरी पूजा में शामिल हो।
भावी जीवन में सुख शांति की कामना भी करती है। कोनेरगांव में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गो सेवकों का सम्मान किया। गो सेवक कई महीनों से लगातार गो सेवा में लगे हुए हैं, गांव गांव जाकर गोवंशों को दवा लगा रहे हैं। पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गौ सेवकों को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जितेंद्र मीणा समेत सैकड़ों लोग सम्मान समारोह में मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में ठाकुर जी मूछों वाले श्रीराम वाराही देवी अधर मंदिर, पासवान जी का मंदिर सहित दर्जनों मंदिर में अंकुट का भोग लगाया गया। मंदिर में सजाई गई अंकुट की झांकी, भगवान श्री कृष्ण को अंकुट का प्रसाद भी अर्पित किया गया। नागौर के जिला कलेक्टर के द्वारा मायर रोहेज योजना चलाई जा रही है। इस योजना में प्रसूता महिलाओं को जिला कलेक्टर के द्वारा एक शुभकामना संदेश भेजा जाएगा, वहीं महिलाओं को मिलेगा सुविधाओं का लाभ। फतेहपुर के प्राचीन जानकी वल्लभ मंदिर सहित अन्य देवालयों में अन्नकूट का पर्व मनाया गया। यहां भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। झुंझुनू के गुड़ागौड़ जी में एक युवक का 6 महीने पुराना नर कंकाल मिला है। नर कंकाल की सूचना गुड़ागौड़ जी पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुड़ागौड़ जी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं ग्रामीणों की मदद से गुड़ागौड़ जी पुलिस ने कंकाल को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में लगी है। श्री विजयनगर के प्रिंस विजय सिंह चौक पर गंगानगर स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षत्रिय महासभा के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महाराजा गंगा सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर चर्चा की गई। मेहंदीपुर बालाजी के उदयपुरा में भूड़ वाले बालाजी व धर्मशाला स्थित शिव मंदिर और सात पीपली शिव मंदिर में अंकुट महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। सीकर के दादिया रामपुरा गांव में गौशाला में आग लग गई। आग लगने से गायों के सामने चारे का संकट उत्पन्न हो गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पाया। और चलिए फिलहाल के लिए बस बुलेटिन में इतना ही। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार।